उसमें सरकार को चेताने का काम किया है। सरकार अगर सुधरे संभले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आंदोलन का रास्ता हमारे बिल्कुल हम तैयार है, लड़ाई लड़ेंगे। किस तरीके से तैयार हैं? अरे हम जैसे आप पीछे नहीं देखे, हमने 13 महीने जो है आंदोलन करके दिल्ली के रूह में बैठ के हमने जवाब दिया। क्या दोबारा से आंदोलन शुरू हो रहा है दिल्ली में? दोबारा से आंदोलन शुरू होने जा रहा है पूरे देश में, दिल्ली में पूरे देश में। जो का मुकाबला हमने किया और अब ये काले जो अंग्रेज बैठे हैं इनका मुकाबला हम करें। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? वीरेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा से, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। टोल हटाओ संघर्ष समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। टोल के खिलाफ 8 साल 10 साल से आंदोलन। यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग जो आए हुए हैं? हम तो यहाँ मोदी जी को मैसेज देना चाहते हैं, हमारे बार बार ऐसे मत देखे, इलाके देखता है किसान को। हम जागती जमीन वाले लोग हैं, हरियाणा और पंजाब से पहले भी लड़ाई लड़ी है और पीछे लड़के दिखाई। देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन हमारे को कभी नौजवान को ललकारता, कभी किसान को ललकारता है। किसान ने पीछे झुकाया, फिर नौजवान को ललकार दिया, अग्निपथ योजना लागे। किसान और मजदूर का बेटा जाता है आर्मी के अंदर, अग्निपथ योजना लेकर आगे। पक्का रोजगार क्यों नहीं देते? जो 1.5 लाख बच्चे टेस्ट क्वालिफाई कर चुके, क्यों नहीं दिया रोजगार? इंटरव्यू तक ले लिए, उनके लिस्ट आउट क्यों नहीं करी इन लोगों ने? आज हमारा ये सांकेतिक है, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। ये MSP खरीद गारंटी कानून बनाने की बात है। और बिजली बिल 2020 लखीमपुर की रीख में जो हमारे किसान साथी शहीद हुए उनको न्याय दिलाने की बात है। 4 किसान हमारे पकड़ रखे, कितना बड़ा अन्याय है। गृह राज्य मंत्री अजय टेणी मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए और उसको अरेस्ट करे, क्योंकि उसकी साजिश के तहत तो उसके बेटे ने कांड किया है। उसने ललकाया किसान को, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे हम, लड़ाई आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप लोग 1 साल पहले बैठे थे, उठ गए थे, उसके बाद एक बात आश्वासन दिया था सरकार ने, सरकार ने केस वापस नहीं लिए। जो किसानों पे केस बढ़ाए वो केस वापस नहीं लिए, तो उनके खिलाफ वादा खिलाफी कर रही है सरकार, तो सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई फिर जा रही है। नहीं, यहाँ पे परमिशन नहीं थी आप लोगों की, आज 10:30 बजे परमिशन दी है। अरे हम इस देश के किसान नागरिक हैं कि नहीं है? इतना बड़ा अन्याय, डेमोक्रेसी की बात करता है मोदी जी, कहते हैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कैसा लोकतंत्र? कई मीडिया गर्दन में घुटना टेक देता है, मीडिया में आवाज नहीं आने दे रहा जनता की। तो किसान ने ठान रखी, किसान लड़ाई लड़ेगा और इस देश को भी नहीं बिकने देगा। 2024 भी आ रहा है लोकसभा चुनाव, बिल्कुल हम तैयार है, लड़ाई लड़ेंगे। किस तरीके से तैयार हैं आप? अरे हम जैसे आप पीछे नहीं देखे, हमने 13 महीने जो है आंदोलन करके दिल्ली के रूह में बैठ के हमने जवाब दिया। क्या दोबारा से आंदोलन शुरू हो रहा है दिल्ली में? दोबारा से आंदोलन शुरू होने जा रहा है पूरे देश में, दिल्ली में पूरे देश में होगा। आप देखिए ना, आज पूरे हिंदुस्तान से हर स्टेट प्रदेश के किसान आया है। अब देखिए जगह जगह रोक रखे किसान को, आप स्टेशनों में जाके देखो, यहाँ तक आने नहीं दे रहे। हमारे को भी 1 घंटा तो मशक्कत वहां करनी पड़ी, परमिशन मिलने के बाद भी ये हाल है इन लोगों का। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, वो ये सारे हथकंडे अपनाएंगे। जागती जमीन वाले लोग आवाज उठाते हैं, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो दबेंगे नहीं। जो किसान आए हुए हैं अलग अलग मांगों के साथ आए हुए हैं, क्या लगता है कि इस पिछले 1 साल में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ हुआ है? 3 कृषि कानून को वापस कराए हमने, 3 जो कृषि कानून लेकर आता काले कानून वो वापस कराए। उसके बाद वायदा किया था भाई सारे केस वापस ले लेंगे हम, और MSP और खरीद गारंटी कानून वो सरकार मुकर गई अपनी बातों से। MSP में सुधार समिति की कमेटी बनाई है, MSP खरीद गारंटी कानून की बात थी हमारी, बाकायदा ईमेल हमारे पास, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो दिया सरकार ने, जो जवाब दिया था उस समय।
माता करके पूजा करते लाल किले से भाषण देते प्रधानमंत्री जी। आजादी का अमृत महोत्सव भी मन रहा है, सब कुछ अच्छा दिखाने की बात हो रही है। आप जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि किसानों की बहुत सारी मांगे हैं जो मान नहीं रही। ऐसा है, ये बीजेपी वाले सारे बात नवा दवा कहते, बात बड़ी साफ सुथरी करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो करते हैं वो जो भी काम करते हैं वो बताते नहीं है, और जो बताते हैं वो करते नहीं है। इनकी पॉलिसी है क्या अभी आप लोग खतरा है आपको बताऊं? पड़ोस में किया छोर है ब्याह जर नहीं बहु आ जाने उड़ी चूड़िया खनकार पड़ोसिया ने सुने अगर पड़ोसी ने बहुत कमेरी क्योंकि चूड़िया खनकार की आवाज है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है चूड़िया खनकार है, असली तुम कुछ नहीं। अब आप ये देख लो सारा आरएसएस का एजेंडा लागू करने लग रहे हैं, कॉर्पोरेट को बेचने लग रहे हैं, हर डिपार्टमेंट को जब प्रॉफिट होते आरएसएस को लागू करने की बात तो ये आरएसएस से कैसे आप लोग लिंक करते हैं कि ये तो कहते हैं कि जो है यहाँ पर मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, तमाम लोग हैं। अरे आप ये देखिए यहाँ हमारे किसान आंदोलन को बांटने का काम किया हम लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हमारे किसान आंदोलन को बांटने का काम किया है, जातिवाद में धर्म के नाम पे। एक किसान आंदोलन ऐसा है जो इनकी जाति और धर्म की राजनीति के ऊपर चोट की है। नहीं बेटा देखा आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई सब ने आंदोलन किया, सब शामिल थे हमारे साथ। लेकिन ये तमाम बार खबरें आई कि किसान टूट गया, किसान आंदोलन टूट गया, बकवास करते रहे। इनके हाथ में बेचैनल, इनके हाथ में जो दिखावे है जो दिखा रहे हैं। हमारा जो सोशल मीडिया ने जो है ये रखा दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया दोबारा से, ऐसा लग रहा है हमारी गाड़ियां रोकी गई है टिकरी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे पत्थर भी लगा रखे, गाड़ियां रोकी गई। तो इस बार सरकार फूक फूक के कदम रख रही है, लग रहा है कि आप लोगों को आने नहीं देगी। पूरा प्रयास किया है इन्होंने, ट्रेनें भी रोकी है कई जगह, मैं आपको बता दूं पंजाब में कई जगह ट्रेनें रद्द कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आ रहे। अब 2 किलोमीटर आप जाके देखो सभी स्टेशन पर जाके देखो कितना किसान बैठे हैं, लेकिन यहाँ तक ठीक है। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे वैसे? आप हम तो ये कहना चाहेंगे मोदी जी जल्दी जो है आपने जो वादा किया था किसान से, किसान स्कीम से, वो वादा निभा अपना ताकि नहीं तो हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे। कितने दिन में आप लोग यहाँ पर फिर से आंदोलन करने लग जाएंगे? ये इसके बाद हमारी बैठक उसमें डिसीजन होगा, उसमें रणनीति बनाई जाएगी, आज तो ये ज्ञापन देंगे उसके बाद हमारी अगली रणनीति। आज का आप लोगों का जो यहाँ पर जमावड़ा है किसानों का, किन मांगों को लेकर के है, किसके आह्वान पर हो रहा है? देखिए ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है जो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे या उधर शाहजहांपुर पे जितने संगठन थे वो संगठन आज दोबारा इकट्ठा हुए हैं, और हमारी मुख्यतः मांगे वही हैं जो हमें आंदोलन के समय सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, और साथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा लखीमपुर खीरी का जो किसानों के साथ जिस तरीके से एक दुर्दांत जो सरकार के बलबूते पे काम किया, ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ। उन दोषियों को आज तक कोई सजा नहीं मिली है, उनके लिए बिल्कुल सरकार ने बल्कि इस्तीफा तक भी नहीं उन मंत्री का लिया है। तो MSP का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे आश्वासन दिया था कि MSP कमेटी बना के किसान संगठनों को शामिल करेंगे, एक भी किसान संगठन शामिल नहीं है, सिर्फ सरकार के लोग हैं वही कमेटी बना के और अपने ही बंदर बांट करेंगे, वो जो भी फैसला करेंगे वो सरकार के सारे नुमाइंदे सरकारी SKM का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं। फिर उसके बाद बिजली बिल की बात आई थी वो दोबारा से फिर संसद में ले आए, तो ये पूरी तरह से आप ये देखिए कि छोटी छोटी जो आम आदमी के खाने पीने की वस्तुएं थी उन पे GST लगा दिया। कभी मोदी जी कहते थे कि GST का बहुत बड़ा फायदा होगा कि आम चीज़ों को खाद्य सामग्री पे रियायत मिलेगी, वो बाहर रहेंगी GST से, आज उन पे भी ले आए। बुजुर्गों की यात्रा उसका ख़त्म कर दिया, बच्चों के लिए जो आधी एक साल के बच्चे पे वो टिकट पूरा कर दिया। तो मतलब कहने का ये है कि आम आदमी को खाली ये किसान की बात नहीं है, किसान के साथ पूरा समाज जुड़ा होता है, वहाँ से जो पैदावार चलती है वो हर आदमी तक पहुँचती है और वो हर जनमानस को अफेक्ट करती है। तो ये खाली किसानों की ही लड़ाई मत समझिए, ये आज जनसाधारण की लड़ाई है जिसकी हम SKM के नुमाइंदे हैं और हम संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो पंजाब से और तमाम जगहों से आए हो, कहाँ कहाँ से आए हुए, कितने लोग होंगे? हमारे तो जितने यहाँ दिखाई दे रहे इससे ज्यादा तो अभी रास्ते में रोके हुए हैं। जो लोग ट्रेनों में आके रात भर में आ चुके वही लोग पहुँच पाए हैं, बाकी तो गाजीपुर है या सिंगू बॉर्डर है या टीकरी बॉर्डर है, वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है। हमारा ये सिस्टम अब जाके लगा है, सुबह से वो जद्दोजहद चल रही है कि परमिशन नहीं है, परमिशन सुबह 10 बजे परमिशन दी है आपने, हमने 15 दिन पहले परमिशन मांगी है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाह रही कि भाई ये सारा एक जुट होके अपनी बात रखने की कवायद करें, बाकी फिर भी हम आए हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, उसमें मांग पत्र हमने रखा है, उसमें सरकार को चेताने का काम किया है। सरकार अगर सुधरे संभले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आंदोलन का रास्ता हमारे लिए। कितने दिन का समय आप लोग दे रहे हैं? देखिए अभी हमने समय सीमा तय नहीं की है, हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति को जाएगा और उसके हफ्ते 10 दिन में सरकार से कोई अगर आश्वासन नहीं मिलता तो हमारी रणनीति अगली तैयार हो जाएगी, फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा। आंदोलन तो शुरू है, आंदोलन खत्म हुआ ही नहीं था, हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाती ये आंदोलन तो जारी रहेगा। हाँ, इसकी सूरत, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाएगा। 2024 भी आ रहा, चुनाव भी आ रहा, लोकसभा बिल्कुल आ रहा है, वो भी आएगा, सब चीजें आएंगी, लेकिन हम किसान के आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई राजनीतिक तौर पे किसी संगठन से नहीं है, ये अराजनीतिक मोर्चा है। एक बार कहा जा रहा था कि पिछली बार किसान ही थे, अब इस बार किसान, जवान और युवा सारे, जो युवा भी हैं, बिल्कुल युवा अपनी अलग, वो भी साथ में जुटे हुए हैं, अग्निपथ का पूरा बहिष्कार कर रहे हैं, हमारी मांगों में अग्निपथ को भी वापस लेने की मांग। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए जो अपने अपने छोटे छोटे मुद्दे लेकर के आए, उनको कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए मुख्य मुद्दे ही रखे जाते हैं जब इतने बड़े आंदोलन का चेहरा सामने आता है, बाकी जो छोटे छोटे रीजनल मुद्दे हैं उन मुद्दों पे तो अलग अलग लड़ाई चली रही है, वो प्रशासन से या जो लोकल लीडरशिप है या लोकल जो शासन है उनसे बात चलती है। हिरासत में ले लिया जा रहा है, जैसे कोई नेता बाहर आ रहा है, राकेश टिकैत को कल हिरासत में ले लिया गया। देखिए वो किसी दूसरे मामले में उनको कल जो जंतर मंतर पे ये हुआ था कार्यक्रम रोजगार को लेके, उसके समक्ष उनको डिटेन किया गया था वहाँ कुछ, लेकिन बाकी इसमें नहीं लगता इसमें आप लोगों को हिरासत में लिया जाएगा क्या जी? इसमें नहीं लगता आप लोगों की हिरासत में लिए लेने की तैयारी है, क्योंकि हर जगह सुरक्षा को टाइट रख रखा है इन्होंने। देखिए हमें तो परमिशन दी है, हम तो तैयारी करके आए थे कि भाई परमिशन नहीं भी मिलेगी तो भी हम तो अपना आंदोलन करेंगे, और हिरासत में लेंगे तो उसके लिए भी तैयार हैं, उसके उसे हम डिटेन होने से हम कोई पीछे थोड़ी ना हटते हैं, वो सरकार को देखना है। ठीक है, शुक्रिया। बाकी हम अपनी मांग लेके आए हैं, मांग राष्ट्रपति तक हम पहुँचाएंगे, हमारा आज का मकसद इतना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।